शुक्रवार की रात ब्यादरहली थाना क्षेत्र में 5 शव घर के अंदर मिले हैं, जहां से पुलिस ने 2.5 साल की बच्ची प्रेक्षा को बाहर निकाला। वह लगभग अचेत अवस्था में मिली। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की कथित आत्महत्या के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। शवों के साथ घर में 5 दिन से रह रही नाबालिग बच्ची को पुलिस ने घर से बाहर निकाल लिया है। बच्ची उसी घर में रहती थी जहां उसकी माँ सिंचना 34 वर्षीय, दादी भारती 51 वर्षीय, माँ की बहन सिंधु रानी 31 वर्षीय, माँ के भाई मधु सागर 25 वर्षीय के शव छत से लटके हुए मिले। लड़की उसी कमरे में मिली जहां मधु सागर को फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। प्रेक्षा को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इनकी पुष्टि होनी चाहिए। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पश्चिम सोमेंदु मुखर्जी ने कहा कि 5ों की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि हमें घर से डेथ नोट नहीं मिला है। मधु सागर शंकर सदमे की स्थिति में है, जैसे ही वह फिट होगा उससे पूछताछ की जाएगी। इसी बीच शंकर ने कहा कि उनकी बेटियां अपने पतियों से झगड़ा करके घर पर आ गई थी। पुलिस ने बताया कि उन्हें पड़ोसियों ने सूचित किया है कि शंकर उसके बेटे मधु सागर के बीच लड़ाई हुई थी। मारपीट के बाद शंकर घर से बाहर चला गया था। इस घटना के बाद रविवार को ही परिवार ने आत्महत्या कर ली थी। शव छत विक्षत अवस्था में पाए गए थे। फोरेंसिक विशेषज्ञों पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मौतें 5 दिन पहले की हैं। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद इसकी पुष्टि हो पाएगी।